हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर। सो आज किस वीडियो में हम आपके DSEU रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो कि आपने हमारे प्रीवियस DSEU वाले वीडियो में कमेंट किया था। और अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं स्टिल, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे डेट से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स है, और कुछ डेट्स अभी लास्ट डेट क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। एंड और कोई डाउट है करियर रिलेटेड तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोस आती है, जो कि कॉलेजेस से रिलेटेड, कोर्सेज, एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब से रिलेटेड एंड स्कॉलरशिप। अभी अभी आपका NSP स्टार्ट हुआ है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कई सारे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती है जो कि गवर्नमेंट होता है, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं डेफिनेट है कि अगर आप एलिजिबल है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है DSEU के रिगार्डिंग, रंजित झा का है क्वेश्चन। लास्ट नेम के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या? लास्ट नेम के बिना अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका लास्ट नेम यहाँ पे आना ही चाहिए। बट हाँ, हो सकता है आगे में भी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका जो 10th की मार्कशीट होती है ना, उस पर जो नेम है या उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप ट्राई करो कि उसी के बेसिस पे आप कोई भी रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, क्योंकि 10th की मार्कशीट ही वैलिड होती है डेट ऑफ बर्थ के लिए एंड बाकी सारी डिटेल्स के लिए। तो अगर 10th की मार्कशीट में अगर आपका हाफ नेम ही है, मतलब फुल नेम नहीं है, और आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भी फुल नेम नहीं डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर 10th की मार्कशीट में फुल नेम है और आपने रजिस्ट्रेशन में हाफ नेम डाला है, तो मे बी आगे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है तामी मिश्रा की क्वेश्चन है यहाँ पे। मैम, आई वॉन्ट टू डू BJMC इन DSEU, कैन आई? BJMC DSEU में नहीं है, बैच ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बट आप शायद BA कर सकते हैं, BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, बट वो जर्नलिज्म में नहीं आएगा, तो या BJMC नहीं है। नेक्स्ट आर्टिस्टिक लॉन्च ने पूछा है, डी प्लीज़ क्लियर माई क्वेरी कि डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स और BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में एडमिशन मेरिट बेस्ड है या एंट्रेंस होगा? सो जितने भी आपके क्रिएटिव प्रोग्राम्स हैं, क्रिएटिव कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के लिए क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CAT, और ये आपके दो स्टेजेस में होंगे, एक तो आपका ऑनलाइन होगा और एक ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन जो होगा वो DSEU के डिफरेंट कैंपसेस में होंगे, दिल्ली रीजन में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। सो ये दोनों स्टेज आपको क्लियर करने होंगे, और ये जो CAT है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टोटल 60% वेटेज कैरी कर रहा है। सो 60% आपको यहीं से कैरी करना है, यहीं से आपको लाना है, और जो बाकी 30% आपके 12th को वेटेज दिया गया एंड 10% आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, LOR, या फिर अगर आपके पेरेंट्स DSEU के स्टाफ या फैकल्टी है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे 10% वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी टॉप लेवल के नेशनल या स्टेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, या ओलंपियाड के टॉप 200 में आ रहे हैं, इस तरीके के केसेस में आपको यहाँ पे 10% या 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष शर्मा की तरफ से। डी आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन डी फार्मेसी, बट आई डोंट नो हाउ द फॉर्म वर फिल, बट आई फिल CUET फॉर्म, सो प्लीज टेल मी ऑन बेसिस ऑफ CUET विल आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर फार्मेसी, डी फार्मेसी, और नहीं तो कौन सा फॉर्म फिल करना है प्लीज। तो देखो, अगर आपने CUET का फॉर्म फिल किया है, तो इसके बेसिस पे मैंने दो वीडियोस बनाए थे कि अगर आपने CUET दिया है तो कौन कौन से कॉलेज में आप डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। सो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वो वीडियो आप एक बार देखिए, और वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो डी फार्मा या बी फार्मा करा रही है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया, तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डी फार्मेसी या डिप्लोमा का फॉर्म अभी भी चल रहा है, लास्ट डेट आई गेस 27 है, क्योंकि 10th रिजल्ट के बाद तक आपका फॉर्म चलना था 5 दिन तक, तो 27 लास्ट डेट है। अगर आप डिप्लोमा का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और CUET के बेसिस पे कई सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एंड प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला है दीक्षा शर्मा का क्वेश्चन है, मैम मेरिट बेस्ड एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, प्लीज़ बता दो। जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, यानी कि UG कोर्सेज के लिए, इसका कोई DSEU का अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना है,
तो उसके लिए आपका जो 12th में परसेंटेज वो इम्पॉर्टेंट है, जिसका 80% वेटेज कैरी करेगा, एंड आपके जो CUET है CUET का 10% एंड जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसका 10%। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और CUET में यहाँ पे कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या लैंग्वेज टेस्ट मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया है आपको यहाँ पे 10% मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे कोई रैंक आपको नहीं लाना है DSU में एडमिशन लेने के लिए, एंड आपने सिर्फ CUET का एग्ज़ाम दिया है किसी भी डोमेन सब्जेक्ट से, किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट से, आपको 10% यहाँ पे एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपका CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पे भी 10% एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को दिया जाएगा, और 30% आपके 12th को वेटेज दिया जाएगा, और बाकी 60% आपका CET कैरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा मेरिट तैयार की जाएगी। अगला क्वेश्चन आशीष कुमार का है, BTEC लेटरल एंट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होगा, मैम डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से। सो DSU में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है BTEC लेटरल एंट्री के लिए, यहाँ पे कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया है या डिग्री भी किया है आपने तो भी आप एडमिशन ले पाते हैं। तो आपका डिप्लोमा जो है उसका 90% वेटेज यहाँ पे कैरी कर रहा है, मतलब आपको डिप्लोमा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाने हैं सो दैट आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन हो पाए। इसके अलावा आपका 10% एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या फिर LOR, या अगर आपके पेरेंट्स DSU के स्टाफ या फैकल्टी है तो उस केस में आपको यहाँ पे 10% या 10 marks एक्स्ट्रा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सक्षम कुमार की तरफ से, इन्होंने पूछा है CUET में तो DSU था ही नहीं फिल करने को, तो फिर कैसे होगा। देखो DSU का जो यूनिवर्सिटी है वो CUET का जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें कहीं भी आपको DSU नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि DSU कोई CUET के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले रही है, यहाँ पे सिर्फ UG कोर्सेस के लिए आपको CUET का कुछ परसेंटेज वेटेज दिया जाएगा। एंड जब NTA की नोटिफिकेशन आई थी रिगार्डिंग CUET, तब उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे तो CUET को वेटेज दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली CUET पे डिपेंड नहीं थी DSU, इसलिए इन्होंने, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ये CUET के यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे मेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट का कीड़ा, ये यूज़र नेम है, इनका क्वेश्चन है मेरे पास मैथ्स नहीं लेकिन मेरे को BCA करना है DSU में, क्या करूँ। सो DSU में जो BCA कोर्स है उसके लिए आपके 12th में मार्क्स होना कंपलसरी है, एंड इवन मार्क्स में आपके 60% होने चाहिए। ओवरऑल तो 50% मांगा जाता है लेकिन मार्क्स में 60% मांगा गया है इस बार, पिछली बार कम था, इस बार थोड़ा इंक्रीज किया गया। सो ऑफकोर्स मार्क्स होना कंपलसरी, बिना मार्क्स के आप DSU से BCA नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बिना मैथ्स के या बिना इंग्लिश, बिना कंप्यूटर के BCA कोर्स करना चाहते हैं तो एक वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, बिना मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तनिष्ठा केशरी का क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू डू BA इन एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी इन DSU, डू आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, एंड ऑल्सो वट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एंड हाउ टू गेट एडमिशन। सो BA इन एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी, सो इस कोर्स के लिए आपको CAT देना होगा, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मोस्टली जो UG कोर्सेज है उन सभी के लिए मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, एंड बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा। तो आपने 12th किया है विद मिनिमम 50% आप एलिजिबल हैं, एंड आपको यहाँ पर CAT देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSc नर्सिंग है क्या, गरिमा शिरा की तरफ से ये क्वेश्चन है। BSc नर्सिंग DSU में नहीं है, नर्सिंग रिलेटेड कोई कोर्स नहीं है। हाँ, आप अगर डी फार्मा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट चौधरी ने पूछा है मैम 3 year LLB है क्या, प्लीज़ बताइए। 3 year LLB है ही नहीं DSU में कुछ ही कोर्सेज है UG डिग्री लेवल पे, तो उसमें आपका आप LLB नहीं कर सकते हैं DSU से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हर्षिता भाटिया की तरफ से, व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। लास्ट डेट मैं बता देती हूँ सारे कोर्सेज के लिए,
अगर आप यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं, डिग्री कोर्सेज, बीटेक के लेटरल एंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए लास्ट डेट है 15 अगस्त 2022। एंड अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या फिर बीए डिज़ाइन का एक कोर्स था वो कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए 27 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। एंड जो पार्ट टाइम डिप्लोमा था उसकी डेट जा चुकी है, 20 जुलाई लास्ट डेट थी। सो अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा या लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए 27 लास्ट डेट है। एंड अभी आपका स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसका एप्लीकेशन लाइव हुआ, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल की तरफ से है, दी बी कॉम इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और बी बी ए इन रिटेल मैनेजमेंट कौन सा सही रहेगा, आई एम कन्फ्यूज। सो ये दोनों ही कोर्स अपने में बेस्ट है। बी कॉम इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में आप बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड स्टडी करते हैं, कैसे उसे मॉनिटर करना है, ऑप्टिमाइज करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है बिजनेस प्रोसेस को। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में आप बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड स्टडी करेंगे, और ये जो डिग्री कोर्स है इसे हाई एम्प्लॉयमेंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। एंड दूसरी तरफ अगर हम रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो आप रिटेल से रिलेटेड करते हैं, उसके स्किल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से आप रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं अगर आप बीबीए रिटेल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं। तो दोनों ही कोर्स का अपना इंपॉर्टेंस है एंड दोनों ही बेस्ट है, तो जिस भी फील्ड में जाना आप प्रेफर करना चाहते हो वो उसके लिए आप यहाँ पे कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपके डाउट्स यहाँ पे जितने कमेंट में थे वो क्लियर हुए होंगे। एंड आई नो कि सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं अभी भी, क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन चली रही है एंड आगे आने वाले टाइम में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कई सारे डाउट्स ऐसे और आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने सारे डाउट्स कमेंट में डालिए एंड नेक्स्ट वीडियो अगर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है। और जितने भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएसयू होगा वो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।